बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फ्लाइट की गुवाहाटी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अगरतला जा रहे थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में लैंड करानी पड़ी। और इसके साथ ही आनन फानन में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फ्लाइट की बुधवार की रात गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वो भाजपा की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अगरतला जा रहे थे। उनका विमान घने कोहरे की वजह से महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका, जिसकी वजह से गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। आपको बता दें कि अमित शाह को बुधवार रात अगरतला पहुंचना था और अगले दिन त्रिपुरा में दो रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। राज्य में इस साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको ये भी बता दें कि इस पर बयान भी आया है एसपी शंकर देवनाथ का, जो कि त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा के एसपी हैं। उन्होंने बयान देते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार रात करीब 10 बजे एमबीबी हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से खराब विजिबिलिटी के कारण वो नहीं उतर सके। उन्होंने होटल रेडिशन ब्लू में पूरी रात बिताई और उसके बाद वो सुबह अगरतला के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि अमित शाह की फ्लाइट को सुरक्षित गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। यहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उनका स्वागत भी किया। अमित शाह बीजेपी के जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मनगर में एक जनसभा भी वो कर रहे हैं और वहां एक कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी कर रहे हैं। इसके बाद वो दक्षिण त्रिपुरा में सबरूम जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो चुनावी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा भेज रही है और वहां पर वो चुनाव के लिए तैयारियां करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके विमान को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उनका जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग गुवाहाटी एयरपोर्ट पर करानी पड़ी।